फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे सेफ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसी रेमेडी लेके आई हूँ जो अगर आपके जो स्किन है बहुत ज्यादा पिंपल्स आते हैं, या फिर आपके स्किन में पिंपल्स के मार्क्स रह गए हैं, एक्ने के मार्क्स हैं, या फिर आपके स्किन में कोई भी दाग धब्बे हैं, उसे दूर करेगी। और अगर आपके जो पोर्ट्स हैं वो बहुत बड़े हो गए हैं, उसको भी मिनिमाइज करेंगे। दोस्तों, इस रेमेडी को हम अपने घर की चीजों से ही बनाएंगे। हमने इस रेमेडी में ज्यादा कुछ इस्तेमाल नहीं किया है, एकदम नेचुरल है, 100% इफेक्टिव है। दोस्तों, तो इस रेमेडी को हम अपने हाथों से बनाएंगे और किस तरीके से लगाना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम है, आपको बहुत ज्यादा पिंपल्स आते हैं, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको उसे नोचना नहीं है, नाखून नहीं लगाना है। अगर आप उसे इचिंग करते हैं या फिर नाखून लगाते हो तो उसका जो पानी होता है, जो पस होता है, वो इधर उधर लग जाता है और उसके बाद वो दूसरी जगह पे भी पिंपल आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर आपके पिंपल्स में पस आता है या फिर कुछ भी ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको टिश्यू से क्लीन करना है, उसमें नेल्स नहीं लगाना है। अगर आप नेल्स लगाओगे तो उसमें दाग लग रह जाएगा, उस पर आपको एक्ने मार्क्स रह जाएंगे, तो आप ऐसा ना करें। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं किस तरीके से इस रेमेडी को बनाना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो चलिए स्टार्ट। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक खाली बाउल, उसमें लेना है आपको एक एलोवेरा जेल, एक चम्मच के लगभग एलोवेरा जेल ले लेना है। आप मार्केट का भी ले सकते हो, प्लांट का भी ले सकते हो। उसके बाद आपको लेना है तुलसी के पत्ते। दोस्तों, तुलसी के पत्ते हर किसी के घर में आसानी से मिल जाएंगे। आपको 2 से 3 पत्ते को वॉश कर लेना है और उसे आप ग्राइंड कर सकते हो। और उसके बाद आपने जो एलोवेरा जेल मिलाया था उसमें आपको 1 पिंच आपको हल्दी ले लेनी है, और उसके बाद तुलसी का पेस्ट उसमें मिक्स कर देना है और तीनों चीज़ों को कर लेना है अच्छे से मिक्स। अब आपका ये रेमेडी बनके तैयार है। उसके बाद जहाँ जहाँ आपको पिंपल्स हैं और या फिर डार्क स्पॉट्स हैं, झाइयाँ की प्रॉब्लम है, तो उस जगह पे आप इसे इस तरीके से लगा सकते हो। आप चाहो तो पूरे फेस पे भी लगा सकते हो, या फिर जहाँ पे आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है या फिर डार्क स्पॉट, ब्राउन स्पॉट है, दाग धब्बे हैं या फिर पिंपल्स के मार्क रह गए हैं, आप वहाँ लगा ले लीजिए। दोस्तों, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट हमने इस्तेमाल करे हैं वो आपके पिंपल को, झाइयों को, डार्क स्पॉट्स को मिटाने में हेल्प करेगा। अब इस तरीके से आपको पूरे फेस में लगा लेना है, 10 मिनट्स रखना है, उसके बाद आप वॉश कर सकते हो। तो आपने देखा कि इस रेमेडी को मैंने किस तरीके से बनाया है और किस तरीके से आपको यूज करना है। दोस्तों, इसमें जो भी मैंने इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करे हैं, जो भी मैंने इस रेमेडी में यूज किया है, वो आपको आसानी से आपके घर पे मिल जाएगा। इसमें मैंने ऐसी कोई भी चीज नहीं इस्तेमाल करी है जो आपके स्किन को हार्म दे। दोस्तों, मैंने यहाँ पे तुलसी का इस्तेमाल किया है। तुलसी में बहुत ऐसे गुण होते हैं जो आपके जो दाग धब्बे को दूर करते हैं। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो आपके स्किन के दाग धब्बों को दूर करके आपके स्किन को क्लियर और ग्लोइंग करते हैं। और इसमें मैंने जो हल्दी ली है वो एंटीसेप्टिक होती है दोस्तों, जो आपके पिंपल्स को आने से रोकती है और जो आपके एक्ने और पिंपल्स के मार्क्स हैं उसको भी रिमूव करने में मदद करती है। दोस्तों, इस रेमेडी को अगर आप इस्तेमाल करते हो रेगुलर अपने स्किन पे, आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर आप 1 दिन 2 दिन छोड़ के भी, जैसे आप कंफर्टेबल हो तो आप वैसे कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो बहुत जल्दी आपके स्किन पे असर होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही इस्तेमाल करो और आपके पिंपल और मार्क्स गायब हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, इससे ऐसे ये घर की रेमेडी होती हैं, ये होम रेमेडीज होती हैं जो थोड़ा सा टाइम लेती हैं, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव होती हैं। दोस्तों, आप इसे 1 हफ्ते लगा के देखिए, आप खुद देखोगे कि ये आपके जो जो दाग हैं पिंपल्स के या फिर मार्क्स हैं वो काफी हद तक कम होने लगे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों, मेरे बताए गए अनुसार मैंने जिस तरीके से बताया है उसी तरीके से आप बनाइए और लगाइए, और अपना रिजल्ट भी मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों।
और लास्ट बात दोस्तों, अगर ये सारी इंग्रेडिएंट जो मैंने इस्तेमाल करी है अगर आपके स्किन पे सूट होती हैं तो ही आप इस पैक को इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। और पैक को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर कर लें। पैच टेस्ट आप नेक के एरिया पे अप्लाई करके कर सकते हो, हैंड पे अप्लाई करके कर सकते हो। अगर आपके स्किन में अप्लाई करने के बाद कोई भी रेडनेस नहीं होती है, इचिंग नहीं होती है, तो आप अपने स्किन पे भी आराम से अप्लाई कर सकते हो। ये ऑल टाइप स्किन के लिए है दोस्तों, हर टाइप के स्किन वाले इसे यूज कर सकते हैं। इस पैक को मेन वुमेन दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो और आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो मेरी वीडियो, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।